बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। मैं आपको अरहम मोटर्स एंड व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। मेरे चैनल पर आपको गाड़ियों के मुतल्लिक इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती हैं और आज मैं आपके लिए ओल्ड मॉडल गाड़ी लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, 1986 मॉडल ये गाड़ी है जिसे हम 86 करोला के नाम से जानते हैं। GL लिमिटेड एडिशन ये गाड़ी है। इस गाड़ी की तमाम स्पेसिफिकेशन, ऑनर का नंबर, इस गाड़ी की लोकेशन और दीगर मालूमात आपसे शेयर करूंगा। इससे पहले जो दोस्त अरहम मोटर्स एंड व्लॉग पर न्यू हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाकर आल पे कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक बरवकत पहुंच सकें और आप ऑनर से डील कर सकें। जी हां दोस्तों, आज की गाड़ी है 86 करोला। गाड़ी फ्रंट से आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। गाड़ी की विंड स्क्रीन आपको स्क्रैच लेस मिलती है। गाड़ी की छत भी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी फ्रंट से टोटली जेन्युइन है, लेकिन आउट ऑफ मार्केट शावर है। ड्राइवर साइड की बात की जाए तो गाड़ी ड्राइवर साइड से भी जेन्युइन कंडीशन में है। कहीं पर आपको पुटीन नहीं मिलती, लेकिन रीपेंट है। बैक लुक की अगर बात की जाए तो गाड़ी का बैक लुक भी आपको बहुत ही खूबसूरत मिलता है। बैक स्क्रीन गाड़ी की ओरिजिनल और जेन्युइन कंडीशन में है। इसकी डिग्गी में आपको स्पेयर व्हील के अलावा CNG सिलेंडर भी मिल जाता है। गाड़ी में पेट्रोल और CNG दोनों ऑन है। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड की लुक आप देख लें बहुत ही खूबसूरत है। तमाम पिलर, तमाम डोर की सीलें, छत आपको नीट एंड क्लीन मिलती है। आउट ऑफ मार्केट टोटली गाड़ी को शावर करवाया गया है, लेकिन गाड़ी कहीं से ना तो एक्सीडेंट है और ना ही आपको इसमें कहीं पुटीन मिलती है। टायर कंडीशन की बात की जाए तो टायर कंडीशन आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलते हैं। अलॉय व्हील भी आपको बहुत ही खूबसूरत मिल जाते हैं। बैक से गाड़ी का इंटीरियर आप देख लें, सीट पोशिश उमदा किस्म की मिल जाती है। इंटीरियर से डोर की सीलें ओरिजिनल और जेन्युइन है। फ्रंट से गाड़ी का आप इंटीरियर देख लें तो बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलता है। डैशबोर्ड भी वेरी नीट एंड क्लीन है। LCD आपको आउट ऑफ मार्केट मिल जाती है। AC और हीटर गाड़ी में आपको वर्किंग में मिल जाते हैं। फैसलाबाद की रजिस्ट्रेशन 86 करोला है। इसके तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद है, टैक्स पेड है। इंजन सस्पेंशन की बात की जाए तो ऑनर का कहना है कि इंजन सस्पेंशन में किसी किस्म का काम नहीं है। पेट्रोल के अलावा CNG किट भी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। 16 वाल इंजन जो कि गाड़ी का अपना जाती इंजन है। इंजन गाड़ी ओके है। इसके तमाम डोर्स की सीलें, बोनट की सीलें, तमाम पिलर, इंटीरियर एक्सटीरियर से गाड़ी टोटली सील बाय सील है। फैसलाबाद रजिस्टर्ड है। नंबर प्लेट आपको ओरिजिनल मिल जाएंगी। जी हां दोस्तों, 86 करोला 93 का कोटा है। इस गाड़ी को आप चकवाल से परचेज कर सकते हैं। इस गाड़ी के ऑनर का नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी ऑनर का नंबर मौजूद होता है। मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप गाड़ियों के सेल परचेज के बारे में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस गाड़ी के ऑनर की डिमांड 3,80,000 रुपये है। मौके पर कमी बेशी मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? जिन दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।